हेलो एवरीवन आई वेलकम इन विजन लोक आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है कैसे प्रोबेबिलिटी को हम डील करते हैं तो so, हमारे पास आती है प्रोबेबिलिटी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हमारे पास अनसर्टेनिटी का केस आता है तो so, हम कैसे इसको डील करते हैं अनसर्टेनिटी केस के लिए ठीक है तो so, हम देखते हैं कि वो हम यूज करते हैं प्रोवर्टी थ्योरी के थ्रू तो, तो हम उसमें देखेंगे उससे पहले हम समझना पड़ेगा क्या होती है है जैसे भी हमने पढ़ रखा या मतलब किसी इवेंट के अनसर्टेन होने के कितने चांस हमारे आते हैं प्रोबेबिलिटी बोली जाती है तो ये जो डील करती है प्रोबेबिलिटी हमारी ये डील करती है बिटवीन जीरो और वन मतलब किसी चीज के होने की तो ये जो डील करता है ये डील करेगा हमारा कि प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी तो हमारी जीरो और वन के बीच में लाई करती है कि किसी चीज़ के सर्टेन होने की कंडीशन क्या है ठीक है जैसे हमने सिक्का उछाला हमने देखा हेड आएगा टेल आएगा तो हेड आने के चांस क्या है और टेल आने के चांस क्या है तो उसको हम डील करते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी ठीक है हम उसमें प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो यहाँ पर आते हैं हमारे कि जो हमारे एविडेंस होंगे किस चीज़ के होने के एविडेंस क्या होंगे ठीक है हम इसमें देखते हैं प्रेडिक्टिव क्या जीरो बन के में होती है। जैसे हम देखेंगे पी ए क्या बोला हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हम इसमें देखेंगे पी ए को जीरो पी ए प्रोबेबिलिटी अगर जीरो होगी तो हम क्या बोलेंगे इंडिकेट टोटल अनसर्टेनिटी मतलब क्या है यहाँ पर हंड्रेड परसेंट अनसर्टर्निटी मतलब वो चीज के होने की अनिश्चितता है मतलब वो चीज होगी ही नहीं हमें नहीं पता होगी नहीं होगी लेकिन हंड्रेड परसेंट अनसर्टेनिटी दूसरा केस आता है अगर पी हमारी वन है तो वो बात करता है टोटल सर्टेनिटी मतलब टोटल उस इवेंट के सर्टेन होने की कंडीशन हमारी दिखाती है कि उस चीज के होने की जैसे हमने बोला कि हमारे पास हेड आने के कितने चांस है तो हमने बोला टोटल अनसर्टेनिटी मतलब हेड आने के चांस जीरो हैं और टेल आने के चांस हमारे पास हंड्रेड परसेंट है ठीक है तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं अनसर्टेन इवेंट को जो हम यूज करते हैं तो हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी निकालने के नंबर ऑफ डिजायर आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम ठीक है तो हम जैसे हमें हेड टेल की बात करी तो हमारे यहाँ पर कितने आएंगे जैसे हमने देखा कि हमने एक बार सिक्का उछाला तो हमारे पास क्या आ सकता है हमारे पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है तो कितना आएगा वन आएगा ठीक है टोटल दो आउटकम आ सकते हैं तो हमारे हेड या आने के चांस या टेल आने के चांस क्या हो गए फाइव मतलब फिफ्टी परसेंट चांस हमारे हेड आने के फिफ्टी परसेंट चांस हमारे टेल आने के हैं और दूसरी चीज होती है हमारी प्रोबेबिलिटी नॉट हैपन मतलब किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी कि कोई इवेंट हमारा होगा या कोई इवेंट हमारा नहीं होगा तो अगर उसको हम ऐड करेंगे तो हमारा वो आता है वन जैसे हमने देखा कि किस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है पचास परसेंट है और हमने देखा किस चीज़ के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमारी पचास परसेंट है पचास परसेंट के उतने हो गए हंड्रेड परसेंट ये हो मतलब वन इस टाइप से हम इसका यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर

सेल्फ प्रूफनेस मतलब स्वयं सिद्धि खुद से वो उस चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे उस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा प्रोबेबिलिटी को ये नहीं करेगा तो सबसे पहले हम देखते हैं जो किसी चीज के इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी होने की जो चांस है वो क्या होगा वो जीरो से बन के बीच में होगी पहली कंडीशन हमारी आती है दूसरी हमारी आती है कि पी के ट्रू होने के चांस अगर वन है तो फॉल्स होने के चांस जीरो होंगे मतलब किसी इवेंट के होने के चांस किसी इवेंट के होने के चांस मतलब होने के चांस ठीक ठीक है नहीं इस पर किसी इवेंट के होने के चांस है। अगर हमने हमने बोला बोला कि कि उसके उसके चांस हमने दे है 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 और ना होने के कितने हैं है। तो तो इक्वल क्या होगा ये बन होगा होगा तो ये वही हमारा टोटल तो जो, जो दोनों का टोटल है वो बन ही होना चाहिए अगली चीज अगली चीज हम देखते हैं एंड है जैसे अल्टरनेटिव हम देखते हैं पी एंड वी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो हम इसको देखेंगे कि हम यहाँ पर वो फाल्स होगा या ट्रू होगा तो हम देखते हैं पी एंड एक पी ए प्लस पी बी तो हम इनको रूल को हमारा सेटिस्फाई करेगा तभी तो हम इसको यूज करेंगे तो हम अगला देखते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं एज ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आता है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन और इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक नाम और आता है दैट इज ए पोस्टियर प्रोबेबिलिटी पोस्टियर प्रोबेबिलिटी इसका एक ही नाम आता है हमारा इसको हम बोलते हैं पोस्टियर प्रोबेबिलिटी जैसे हमने देखा हमारे पास कोई इवेंट है इवेंट बाद में देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रिंग एलिमेंट वैन अनोदर इवेंट हैज ऑलरेडी अपन ठीक है तो हम सब देखते हैं कोई ऑलरेडी एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी हमारी होगी तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट द इवेंट वैन इवेंट ए वैन इवेंट बी हैज ऑलरेडी कट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी तो प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी की कंडीशन में देखेंगे किसके होने की कंडीशन क्या होती है तो जैसे हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए और बी so, हमारी ए और बी के कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन ऑफ मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बी की कंडीशन में कितनी होगी तो so, उसको निकालते हैं वो हमारी चीज़ आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दैट इज़ कॉल्ड इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी तो इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड दूसरी हम देखते हैं पी वी प्री हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो बी की हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस चीज़ को ये डील करता है कि किस चीज़ की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी किस चीज़ की हॉर्न कंडीशन होगी क्या नहीं होगी इस चीज़ की बात करते हैं जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं हमने देखा कि क्लास में क्या है हमारे पास सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट हैं जो लाइक like करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और फोर्टी परसेंट स्टूडेंट हु लाइक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईटीसीसी ठीक है इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी ठीक है जो फोर्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाइक like करते हैं और फोर्टी परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस आईटीसीसी दोनों को लाइक like करते हैं तो इसमें हमारे इन फोर्टी परसेंट में वो स्टूडेंट भी होंगे जो सत्तर परसेंट स्टूडेंट बोले गए हैं जो एआई भी लाइक like कर सकते हैं तो हो सकता है इसमें दो परसेंट या हो सकता है पाँच परसेंट या दस परसेंट वो स्टूडेंट भी हों लेकिन हमने देखा है कि इसकी कितनी है सेवेंटी है और ये कितना है फोर्टी है तो मतलब कम से कम कुछ नहीं कुछ दस परसेंट स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ही मिनिमम ठीक है जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाइक करते हों अगली चीज़ वॉट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो लाइक आई ठीक है हम यहाँ पर देखेंगे इवेंट ए स्टूडेंट लाइक आई टी सी सी इवेंट भी हमारा स्टूडेंट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यहाँ पर कंडीशन आएगी कि ए की कंडीशन में मतलब ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बी कंडीशन में तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि मतलब ए की कंडीशन जो हमारी क्या आई हमारी दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कितनी हमारी फोर्टी परसेंट स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लाइक करते हैं और इंडियन ट्रेडिशन को भी लाइक करते हैं तो हमारी दैट इज ये हमारे आ गए फोर्टी परसेंट पॉइंट फोर अगली चीज बी दूसरी कंडीशन क्या हमारी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितने लोग लाइक करते हैं दैट इज ए सेवेंटी परसेंट तो हमने इसका निकाला दैट इज़ आंसर हमारा आया है फिफ्टी सेवन परसेंट हमारा आया है फिफ्टी सेवन परसेंट स्टूडेंट हु लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो लाइक आई टी सी इसके थ्रू हमें यहाँ पर निकालते हैं कि जो इतने स्टूडेंट हमारे उस चीज़ को लाइक करते हैं अगले हम देखते हैं अगले हमारे पास आती है अनकंडीशनल पवर्टी अगले हमारे पास आती है अनकंडीशनल पॉवर्टी अनकंडीशनल पॉवर्टी का एक नाम और आता है दैट इज कॉल्ड प्रायर प्रवर्टी इसको हम बोलते हैं नाम आता है प्रायर प्रोबेबिलिटी प्रायर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखते हैं डिग्री ऑफ बिलीव इज ए इवेंट इन द अब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन अगर किसी इंफॉर्मेशन की अब्सेंस में कि उसकी डिग्री ऑफ बिलीव कितनी होगी यहाँ पर हम देखते हैं अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें देखते हैं प्रोपोजिशन इज ट्रू ठीक है हमें यहाँ पर देखते हैं तो जैसे जैसे हमारे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है सम न्यू इन्फॉर्मेशन बीज नोन अगर कई पता चलती है तो हम देखते हैं कि वी हैव ए रीजन विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ 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 ए ए गिवन बी इट द इवेंट तो यहाँ पर जो बात आती है वो रैंडम वेरिएबल के देखते हैं हम कि किस टाइप से हम रैंडम वेरिएबल का के केस देखेंगे इस अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम आगे भी थोड़ा सा डील करेंगे जो हमारे पास बायस रूल बायस और बायस इन नेटवर्क वगैरह आएगा

हमारा वेदर क्या है सनी है ठीक है तो इसकी कंडीशन हमने देखी इसकी कंडीशन हमारी दिखाई दी हमारे पास ट्वेंटी परसेंट अप्रोवल्टी ऑफ वेदर रैनी होने की कंडीशन हमारे हमने देखी कि ये कंडीशन क्या है हमारी पॉइंट है तो ये वेदर क्यों क्या बोला वेदर इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल ठीक है वेदर को क्या बोलेंगे दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल ठीक है वेदर हमारा रैंडम वेरिएबल होगा तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग का यूज करेंगे तो वो हमारी होती है आप रैंडम वेरिएबल के थ्रू हम इस चीज़ को देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर ये था हमारे पास प्रोबेबिलिटी थैंक यू थैंक यू एवरीवन